What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 16 मार्च 2020 मंडे है, सुबह के 8:44 हो रहे हैं। थोड़ा आज लेट आ सकता है वीडियो। फ्राइडे को काफी जबरदस्त वोलेटिलिटी देखने को मिली, पूरे मार्केट के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा दिन देखने को मिला, 1000 पॉइंट की गिरावट, उसके बाद लोअर सर्किट, मार्केट 45 मिनट्स के लिए बंद, और उसके बाद अनएक्सपेक्टेड बाउंस बैक जो कि 1500 पॉइंट्स का बाउंस बैक था। तो ये अनएक्सपेक्टेड बाउंस बैक था, इसके पीछे के रीजंस क्या है वो अभी भी क्लियर नहीं है। जैसे कि आप इस चार्ट में देख पा रहे, ये जो फ्राइडे का फॉल था 1000 पॉइंट्स का, उसके बाद ये 1500 का यहाँ से ये जंप, तो दो एक बार यहाँ से फिर से ऐसा लगा था कि फिर से टुवर्ड साउथ की तरफ ये मूव हो सकता है, लेकिन इसने कंटिन्यू टिल द एंड अपसाइड जर्नी कंटिन्यू रखी, बाउंस बैक जबरदस्त था। तो ये अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा फर्स्ट टाइम मार्केट के हिस्ट्री में देखा गया ऐसा दिन। तो काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है अभी फिलहाल। नए जो फ्रेशर्स है, बिगिनर्स है, ऐसे मार्केट से थोड़ा अवॉइड करें, दूर रहना। जो कंपल्सिव ट्रेडर्स है, मल्टीपल लेग के साथ यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाए, ताकि काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है, एसएल हिट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स को एक बार देख लेते हैं। जैसे इंडियन मार्केट्स में बाउंस बैक देखने को मिला था, यूएस मार्केट में भी ज़बरदस्त बाउंस बैक देखने को मिला। नासडैक करीब फ्राइडे को 673 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ था। यूरोपन मार्केट्स भी सभी ग्रीन हरे निशान में बंद हुए थे, लेकिन जैसे आज नया वीक शुरू हो रहा है, पहला दिन है, फिर से एक बार एशियाई बाजारों में ज़बरदस्त हमें कमजोरी देखने को मिल रही है। एसजीएक्स निफ्टी 420 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। ये नेचुरल क्राइसिस है, जो 2008 में आया था वो फाइनेंशियल क्राइसिस था, वहाँ पर एक टाइमलाइन बना सकते थे, टाइमलाइन क्या हो सकती है रिकवरी के लिए ये आइडेंटिफाई हो सकता था, लेकिन ये नेचुरल क्राइसिस है। जो कोरोना वायरस का अपडेट है अभी फिलहाल, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं है। 155 कंट्रीज़ में ये पहुँच चुका है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने लॉकडाउन कर दिया है, तो इसका काफ़ी असर हर एक बिजनेस के ऊपर गिरने वाला है, और इसके जो पेशेंट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। ईरान, इटली, साउथ कोरिया, स्पेन, यूनाइटेड स्टेट्स में अभी ये सेकेंड स्टेज के बाद थर्ड स्टेज तक जा सकता है। अभी इंडिया में भी काफ़ी प्रिकॉशंस ले रखी है, WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया, तो सभी लोग इसे फाइट करने के लिए रेडी है। तो हो सकता है यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिले, लेकिन जब तक आने वाले 20 दिनों में क्या सिचुएशन है वो सही तरीके से जब तक बाहर नहीं आती, तब तक ये प्रेशर पैनिक सिचुएशन यहाँ पर बना रहेगा। जो हर एक कंट्री का पेशेंट और कितने डेथ्स हुए इसका आंकड़ा भी देखें, तो ये जो सिचुएशन है काफ़ी गंभीर है, और ये हर तरह हर जगह पर ये फैलता जा रहा है। तो इससे राहत, अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो ही यहाँ से मार्केट में कंटिन्यू अपसाइड जर्नी देखने को मिल सकती है। US फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को भी कट कर दिया है, तो सिचुएशन और बदतर यहाँ से अगर होती है तो इसके लिए प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का वीकली और मंथली चार्ट देख लेते हैं। मंथली चार्ट में जैसे कि हम कई सारे दिनों से यहाँ पर एनालिसिस करते आ रहे हैं, जैसे ये 50 EMA है, इसको निफ्टी इंडेक्स 2008 के बाद सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखा रहा था, ये अभी पांचवी टाइम था, इसने इसको भी ब्रेक कर दिया है, और अभी ये जो 100 EMA था जहाँ पर 2008 में 3-4 महीने कंसोलिडेट हुआ था निफ्टी इंडेक्स, यहाँ पर अच्छे से सपोर्ट टेस्ट किया था 100 EMA का और फिर बाउंस बैक दिखाया था। तो अभी 100 EMA के पास आने के बाद मार्केट में लोअर सर्किट बना और मार्केट 45 मिनट्स के लिए बंद होने के बाद एक बाउंस बैक देखने को मिला, तो ये सपोर्ट काफ़ी क्रूशियल हो जाता है। तो इसके बीच में हो सकता है कुछ दिन कंसोलिडेट हमें निफ्टी इंडेक्स होता हुआ दिखे, अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ये नेचुरल क्राइसिस है, इससे कब तक ये दुनिया उभर सकती है फिर से एक बार ये कहा नहीं जा सकता। तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो सिचुएशन और भी वर्स्ट हो सकती है। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त निफ्टी इंडेक्स ऑलमोस्ट 60% करेक्ट हुआ था, तो अभी फिलहाल 12,400 के बाद ये ऑलमोस्ट अभी 30-35% ये करेक्ट हुआ है, और अगर यहाँ पर भी 60% तक करेक्ट होता है तो निफ्टी इंडेक्स 6000 तक यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सपोर्ट अभी काफ़ी क्रूशियल है, पहले के जो सपोर्ट थे तो
काफी महामारी घोषित करने के बाद WHO ने ये तेजी से नीचे आया है, क्योंकि ये नेचुरल क्राइसिस है, इसको टाइम लाइन नहीं है कब कंट्रोल हो सकता है, कितना फैल सकता है, कितनी स्थिति यहाँ से और बदतर हो सकती है कहा नहीं जा सकता। तो ये फिलहाल अभी यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, हो सकता है इस लेवल के बीच में ये कंसोलिडेट करता रहे। सो प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा का ट्रेड करते वक्त, एक्यूमुलेट कर सकते हैं शेयर्स इस सपोर्ट जोन के पास, और इससे अगर नीचे चला जाता है तो फिर से एक बार एक्यूमुलेशन को हम देख सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स SIP करने वाले अभी भी बरकरार रहे, अपनी SIP लगातार कंटिन्यू रखें इस मार्केट में, जैसे ही कुछ अच्छी न्यूज़ आएगी मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी दिखाएगा यहाँ से। तो ये वीकली मंथली चार्ट का सीनारियो था। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक बना हुआ है, हैमर कैंडलस्टिक जैसे ही डाउन ट्रेंड में आता है तो एक्सपेक्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ से बाउंस बैक दिखे। तो हैमर कैंडलस्टिक का ये जो टॉप है 10,750 के पास, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करने लगता है तो ही यहाँ से अपसाइड जर्नी कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन डेली चार्ट में अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर डेली चार्ट में अभी कुछ दिनों से हैमर कैंडलस्टिक को बनते हुए देखा है, लेकिन हर बार इसने हैमर कैंडलस्टिक को फेल कर दिया है। प्रोबेबिलिटी होता है कि यहाँ से हैमर के बाद एक बाउंस बैक देखने को मिले, लेकिन जैसे कि ये नेचुरल डिजास्टर है, जो पैटर्न बन रहा है उसको भी ये ब्रेक करते हुए टूवर्ड साउथ की तरफ तेजी से आ रहा है। तो अभी यहाँ पर 61.8% का ये जो लेवल था फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, ये भी इसने अचीव कर लिया और यहाँ से इसने बाउंस बैक दिखाया। तो जैसे कि अभी ग्लोबल मार्केट का सीनारियो है, फिर से एक बार यहाँ से डाउन साइड हमें मूव देखने को मिल सकती है, लेकिन ये जो सपोर्ट बना हुआ है इसको अगर ब्रेक करता है तो और भी स्थिति यहाँ से गंभीर हो सकती है। तो ये है अभी तक का डेली, वीकली और मंथली चार्ट का सीनारियो। 60 मिनट के चार्ट में चलते हैं, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर पहले ही मैंने मार्क कर दिया है, ये जो पिवट पॉइंट का लेवल है जहाँ पर इसने थर्सडे को क्लोज दिया था और उसके बाद फ्राइडे को गैप डाउन ओपनिंग दिखाया था। तो इनिशियल पॉइंट जो इस गैप का इनिशियल पॉइंट है, ये हो सकता है हमारा ब्रेक डाउन लेवल 9,550। इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए यहाँ पर हम शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट 9,453 फर्स्ट टारगेट होगा, सेकेंड टारगेट 9,376 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ऊपर अगर ये निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करता है तो जो फ्राइडे का हाई है जहाँ पर थर्सडे का हाई था और एक गैप डाउन ओपनिंग हमें थर्सडे को देखने मिली थी, वहाँ पर ही फ्राइडे को इसने इस लेवल के पास पेनेट्रेट किया। तो फ्राइडे का हाई कम्प्लीटली ब्रेक होने दीजिए, तभी बाय साइड अपनी इंट्राडे पोजीशन बना सकते हैं 10,157 के ऊपर, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,240 और सेकेंड टारगेट होगा 10,346। तो ये आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।